अब फलस्तीन के सपोर्ट में उतरी गौहर खान भी। सौरा भास्कर की करी तारीफ। दरअसल इसराइली और फलस्तीनी संघर्ष को लेकर सौरा भास्कर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में सौरा भास्कर ने अपनी दिसंबर 2010 की एक फोटो पोस्ट करी है, जिसमें वो मार्च करती दिखाई दे रही हैं और फलस्तीन का सपोर्ट करती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी पोस्ट में सौरा भास्कर ने लिखा है, इसराइल एक रंग भेद करने वाला राष्ट्र है, इसराइल एक आतंकवादी राष्ट्र है, #अलअक्सा, #फ्रीपैलेस्टाइन। तो एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, #पैलेस्टाइन और फलस्तीनियों के लिए न्याय की पहल सिर्फ इस्लामिक पहल नहीं है, या फिर ये सिर्फ इस्लामिक नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले साम्राज्यवाद विरोधी, औपनिवेशिक विरोधी, रंगभेद विरोधी पहल है और इसलिए हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, नॉन मुस्लिम के लिए भी। सौरा भास्कर ही नहीं, इसके बाद मोहम्मद जीशान अयूब ने भी इसराइल की जश्न मनाती वीडियो पोस्ट करने के साथ लिखा है, आतंकवाद का जश्न। तो जावेद जाफरी ने भी फलस्तीन की एक बच्ची की वीडियो शेयर करते हुए फलस्तीन का सपोर्ट करा है। तो अब एक्ट्रेस गौहर खान ने सौरा भास्कर का ही ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा है, यू आर अमेजिंग, जिसके बाद कई यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर लिखते हैं, पैलेस्टाइन के साथ आज दुनिया को खड़ा होना होगा, क्योंकि उसके साथ मानवतावादी विचारधारा के साथ खड़े होंगे। जब यहूदियों को मारा जा रहा था तब फलस्तीन ने उन्हें आसरा दिया, आज ये एहसान लौटाया जा रहा है। तारीख इसराइल को हत्यारे की श्रेणी में रखेगी। तो ऋषिका नाम की यूजर लिखती हैं, #FreePalestineFromTerrorist। तो महविश हसन लिखती हैं, हमें तुम पर गर्व है सौरा। जहाँ कई यूजर्स फलस्तीन को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई लोग सौरा भास्कर के फलस्तीन को सपोर्ट करने पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।